Hello students, I am Professor Avinash Yadav, Department of Mechanical Engineering. Today I am going to teach you about the electrical power supply system, which is the subject of third sem mechanical department, electrical engineering for mechanical department. So here we will see the electrical power supply system. इससे पहले भी हमने दो वीडियो बना चुका हूँ इस पर और ये थर्ड वीडियो है इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई सिस्टम पे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई सिस्टम, उसका जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, कि वो पावर जिसका यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जिस इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके हम लोग घर के सारे यूटिलिटीज को, फैंस, एयर कंडीशन एंड मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज करते हैं, तो उस पावर को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट कैसे होती है उसके बारे में देखना है। उस जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी को हम ट्रांसमिट कैसे करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसके बाद उस ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट मतलब वितरित कैसे करते हैं कंज्यूमर के पास तक, उसके बाद हमारे पास तक पहुंच जाने के बाद वो जब कंज्यूमर्स के पास तक पहुंच जाती है तो उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है, ये सारे चीज़ में देखते हैं। तो सबसे पहले जनरेशन क्या होता है, कि ये सारे मैं प्रीवियस लेक्चर में भी जनरेशन इसके बारे में बता चुका हूँ, तो अभी शॉर्ट में मैं इसको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई सिस्टम की जनरेशन कैसे होती है, जनरली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थ्रू पावर प्लांट्स होती है। पावर प्लांट्स यानी थर्मल पावर प्लांट्स होती है, और भी अल्टरनेटिव एनर्जी के सोर्सेज होते हैं जैसे सोलर पावर प्लांट, विंड मिल्स, टर्बाइन, एडीसी। तो यहाँ पे हम लोग थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में देखेंगे फर्दर क्लासेस में। उसके बाद आता है ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन दो तरह के होते हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन एंड सेकेंडरी ट्रांसमिशन। प्राइमरी ट्रांसमिशन के प्राइमरी ट्रांसमिशन में 132 से 220 किलो वोल्ट से 400 किलो वोल्ट तक की वोल्टेजेज आती है प्राइमरी ट्रांसमिशन में। वहाँ से लार्ज, वेरी लार्ज कंज्यूमर्स को, जो कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को पावर वहाँ से दिया जाता है। और उसके बाद सब ग्रिड जो होते हैं, मेन पावर सप्लाई जहाँ पे पावर प्रोड्यूस होता है वहाँ से उससे कनेक्टेड सब ग्रिड होते हैं, जिसको पावर स्टेशन बोलते हैं। अलग अलग पावर स्टेशन तक वहाँ से सप्लाई भेजा जाता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन। सेकेंडरी ट्रांसमिशन लेवल क्या होता है, कि प्राइमरी के बाद जब सेकेंडरी ट्रांसमिशन लेवल में जाते हैं तो उसको जो है एनर्जी को हम लोग रिड्यूस करते हैं थ्रू ट्रांसफॉर्मर्स, उसको स्टेप डाउन करते हैं उसके इस एनर्जी को, और 66 वोल्ट पे किलो वोल्ट पे लेकर जाते हैं, 66 केवी पर लेकर जाते हैं। और 66 केवी के बाद उसके बाद जो है वो लार्ज कंज्यूमर्स तक जाता है, और जो कि लार्ज कंज्यूमर्स होते हैं बड़े बड़े होटल्स ये वगैरह इन सब में जाता है, तो वो हो गए लार्ज कंज्यूमर्स। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उसमें वहाँ से जो है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कहाँ तक लोगों तक पहुँचाना है, तो कौन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के रेंज में आते हैं, वो मीडियम कंज्यूमर्स, स्मॉल फैक्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज वगैरह, ये सारे मीडियम कंज्यूमर्स हुए। उसके बाद आता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि यहाँ मैंने लिख दिया हुआ है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में होम आते हैं, छोटे छोटे घर जो हम लोगों के घर होते हैं, होम अप्लायंसेस के लिए जो हम लोगों को बिजली मिलती है, जो कि 220 वोल्ट तक बिजली मिलती है, वो रिड्यूस करके 220 वोल्ट तक लाया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आता है यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन मतलब उस इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग उपयोग कैसे करते हैं, वो आ जाता है यूटिलाइजेशन में। तो यूटिलाइजेशन का डायरेक्ट मतलब है कि इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज क्या क्या होती है, यूटिलिटीज मतलब किन किन चीज़ों में हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, वो एयर कंडीशन हो, हीटर हो जाए, फैन हो, या फिर बल्ब हो, और एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ होते हैं जिसमें हम लोग यूटिलिटीज, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज होती है जिनमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ हम लोग एक डेफिनेशन देखेंगे, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एट जनरेटिंग स्टेशन, जो कि हमने देखा जनरेशन कहाँ होता है, जनरेटिंग स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, मतलब वहाँ पे बिजली पैदा होती है। उसके बाद थ्रू ट्रांसमिशन नेटवर्क, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों हो सकता है, ट्रांसमिशन नेटवर्क, ट्रांसमिशन मतलब फैलना, भेजना बिजली, जो जनरेशन स्टेशन से बिजली प्रोड्यूस हुई उसके बाद ट्रांसमिशन के थ्रू, एक ट्रांसमिशन नेटवर्क के थ्रू बिजली को भेजा गया एक जगह से दूसरी जगह, वहाँ से वो ट्रांसमिट हुई, उसके
बाद जाकर प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लेवल से होते हुए ये जो है कंज्यूमर्स तक पहुंच गई। कंज्यूमर्स मतलब आम उपभोक्ता तक। उसके बाद बिटवीन द जनरेटिंग स्टेशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन के बीच जहां से बिजली पैदा होती है और जहां तक डिस्ट्रीब्यूट, जहां तक किया जाता है, तो उसके बीच थ्री डिफरेंट लेवल ऑफ वोल्टेज होते हैं, ट्रांसमिशन, सब ट्रांसमिशन जिसको प्राइमरी सेकेंडरी भी बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वो भी दो तरह के, प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लेवल बोल सकते हैं, और वोल्टेज आर यू। इसमें क्या होता है, स्टेप डाउन करके वोल्टेजेस को डिक्रीज करके अकॉर्डिंग टू नीड उसको